हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास सिक्स की मैथ्स का चैप्टर नंबर एट, उसकी एक्सरसाइज 8.4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट। इस क्वेश्चन में हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हमें दे रखा है रुपीज़ 18.25 फ्रॉम रुपीज़ 20.75, यानी कि जो फ्रॉम के बाद में जो हमें नंबर दे रखा होगा हमने उसमें से जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि फ्रॉम के बाद हमें ये दे रखा है, यहाँ पर फ्रॉम के बाद हमें ये नंबर दे रखा है। जो भी फ्रॉम के बाद नंबर दे रखा वो हम उसको ऊपर लिखेंगे और इन नंबर्स को हम नीचे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारा 18.25 फ्रॉम रुपीज़ 20.75। तो उसको सिंपल तरीके से आपने करना है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने आपको जब ऐड करवाया था 8.3 एक्सरसाइज में, जब हमने सम किया था, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और जो पॉइंट के राइट हैंड साइड के डिजिट है उसको लिखना है और जो लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट है उसको लिखना है। उसके बाद आपने प्लस या माइनस करना है, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। एक भी डिजिट इधर उधर हो जाएगी आपकी तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, 5 - 5 हमारा 0 आएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, इसको कैरी देंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 1 - 1 0, तो हमारा आया 2.50, यानी कि रुपीज़ 2.50। ये आपने इधर करके दिखाना है। इसी तरीके से यहाँ पे आप करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर दे रखा है, ये हमें पूरा मीटर में दे रखा है, 202.54 मीटर और 250 मीटर, ये दोनों ही मीटर हैं। ठीक है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे 202 के नीचे लिखेंगे 250 मीटर। उसके बाद 54 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो अपनी तरफ से 2 ज़ीरो लगा देंगे। फ्रॉम के बाद डिजिट हमारी ये है तो हमें इसको ऊपर लिखना है, यानी कि आपने इसको लिखा 250, ऐसे लिखा। ठीक है, जब आपने ये डिजिट लिखी 202.54, तो इसके ऊपर कोई भी डिजिट नहीं है तो आपने 2 ज़ीरो लगा दी। ठीक है, अब आप इसको माइनस करोगे, कैरी लेंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे हम यहाँ पर तो 6, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, ये हमारा है 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 4 और ये 0। ठीक है, तो 47.46 मीटर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रुपीज़ 5.36 फ्रॉम रुपीज़ 8.40। तो यहाँ पे भी हम इसको माइनस कर लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 10 में 6 माइनस करेंगे 4, 4 यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 पॉइंट और 8 में से, अच्छा पॉइंट लगाना आपने कहीं पे भी नहीं भूलना, जैसे कि यहाँ पे ये डेसिमल रह गया ये आपने लगाना है। ठीक है, उसके बाद 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, तो आ गया हमारा रुपीज़ 3.04। उसके बाद डी भी ऐसे ही करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, क्या है हमारा 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर। तो हम फ्रॉम के बाद वाले जो डिजिट हैं वो हमने ऊपर लिखने हैं, हमने इस तरीके से लिख दी। अब हम इसमें से माइनस कर लेंगे, 5, 6 - 1, 5 कैरी देगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, ये 1 हो गया हमारा, 1 decimal, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, तो हमारा आ गया 3.155 किलोमीटर। लास्ट भी इसी तरीके से करेंगे हम, हमें दे रखा 0.314 kg फ्रॉम 2.107 kg, दोनों को माइनस करेंगे, 7 में से हमने 4 माइनस करेंगे यहाँ पे, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, ये कैरी लेगा, 10 में से 1 माइनस होगा 9, ये 0 हो गया, यहाँ पे हम इसको कैरी देंगे तो 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 पॉइंट, यहाँ पे कैरी दिया तो 1 बन गया ना, 1.793 kg। ठीक है, तो ये हमारा ई तक हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हमें सेम ऐसे ही करना है। इसमें भी हमें क्या करना है, माइनस का साइन आपको दिख रहा है, सब में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट हम ये कर लेते हैं, पहले माइनस, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 इसको कैरी देगा, 15 हो जाएगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, ये 6 हो गया, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 9 में 6 माइनस करेंगे 3, तो 3.476। इसी तरीके से ये करेंगे, 15 बन जाएगा, 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 decimal, ये हमारा हो गया 10, 10 में से हमारा जो है 5 माइनस हो जाएगा तो बनेगा 5, यहाँ पे हमारा ये 1 बचा है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, तो 5.78 हो गया। उसके बाद है यहाँ पे भी हम कैरी लेंगे, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, ये हमारा 4 बन गया, और 4 में 7 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे तो हमारा 14 बन जाएगा, 14 में 7 माइनस करेंगे 7,
डेसिमल 7 में से 6 माइनस करेंगे हम 1 और ये 1, तो 11.71। लास्ट इसको कैरी देंगे, 10 बन जाएगा 7, 10 में 7 माइनस करेंगे 3, ये बन गया 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, ये हमारा क्या बन गया 5। तो ये कैरी लेगा तो 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 डेसिमल, और ये हमारा बन जाएगा 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं, अब हमारे इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, राजू बॉट अ बुक फ्रॉम ₹35.65, यानी कि उसने एक बुक खरीदी, उसका प्राइस हमें यहाँ पे दे रखा 35.65। ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर, उसने ₹50 दिए शॉपकीपर को, ₹50 दिए। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, उसको शॉपकीपर ने कितने पैसे वापस किए। तो हम पहले लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ द बुक, हमें कॉस्ट ऑफ द बुक दे रखी है। मनी गिवन टू शॉपकीपर, शॉपकीपर को कितने पैसे दिए थे, ₹50। ₹50 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो हमारे जो पॉइंट की बात की जो डिजिट है, अगर वहाँ पे कुछ नहीं होगा तो वहाँ पे ज़ीरो लगाओगे। अगर आपने एक्सरसाइज 8.2 अच्छे से समझी है तभी आप एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 कर सकते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 8.2 सही से नहीं की है तो आपको दोनों एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोनों में आपको कन्वर्ट करना है। अब लास्ट है बैलेंस गिवन बाय शॉपकीपर, तो उसके उसने ₹50 दिए थे और 35.65 का उसकी बुक थी, तो दोनों को माइनस करेंगे कैसे, देखो ₹50 इसमें से माइनस करेंगे 35.65 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹14.35। ठीक है, इस तरीके से आप रफ में इसको माइनस कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी हैड ₹18.50, शी बॉट वन आइसक्रीम फ्रॉम ₹4.11.75, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। अब उसके पास इतने पैसे हैं 18.50, ठीक है, अब उसने जो है उसमें से आइसक्रीम परचेज कर ली 11.75 की, उसने इतने की आइसक्रीम परचेज कर ली, अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं। तो अमाउंट ऑफ मनी रानी हैड इतना, मनी स्पेंट ऑन आइसक्रीम इतना, अब उसके पास लेफ्ट कितना बचा है, दोनों को माइनस कर दो, तो ₹6.75 जो हैं उसके पास वो लेफ्ट बचे हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है, टीना हैड 20 meter 5 centimeter लॉन्ग क्लोथ, अब टीना के पास 20 meter 5 centimeter एक लंबा कपड़ा है। शी कट 4 meter 50 centimeter लेंथ ऑफ क्लोथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टेन, अब इस कपड़े में से उसने इतना कपड़ा काट लिया कर्टेन बनाने के लिए, एंड हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट, तो कितना कपड़ा बचा। तो लेंथ ऑफ क्लोथ जो है वो लिख देंगे हम 20 meter 5 centimeter दे रखा है, और 20 तो हमारा पहले से ही मीटर में है, हमें 5 को जो है वो मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपने 8.2 एक्सरसाइज करी होगी तो आपको पता होगा कि हमने सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा 20.05 meter, क्योंकि जब इसको कन्वर्ट कर लोगे, कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 20 आपको प्लस करना है, फिर आपका ये आ जाएगा 20.05 meter। इसी तरीके से जो उसने कपड़ा कर्टेन के लिए यूज़ किया 4 meter 50 centimeter, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे हम मीटर को, सेंटीमीटर को मीटर के अंदर, तो 4.50 meter बन जाएगा आपका ये। ठीक है, अब दोनों ही मीटर में हो गए तो ईजिली हम इसको माइनस कर सकते हैं। लेंथ ऑफ क्लोथ लेफ्ट, अब कितनी कपड़ा बच गया, तो 20.05 में से माइनस कर देंगे 4.50 meter, तो हमारा जो इसमें टीना के पास कपड़ा बच जाएगा 15.55 meter। ठीक है, इस चीज़ में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा और कन्वर्ट करके ही आपको माइनस करना है, एक्सरसाइज 8.2 में सारा समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नमिता ट्रैवल्स 20 kilometer 5 meter एवरी डे, नमिता इतना चलती है रोज, आउट ऑफ दिस शी ट्रैवल 10 kilometer 200 बाय बस, अब वो बस में से कितना गई 10 kilometer 200 meter एंड द रेस्ट ऑफ ऑटो, उसके बाद जो है वो ऑटो से गई, टोटल उसका डिस्टेंस इतना है, इस टोटल डिस्टेंस में से इतना तो उसने बस में से कवर कर लिया ट्रैवल करके, बाकी उसने ऑटो में किया, तो ऑटो में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया वो हमें बताना है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय नमिता, नमिता ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो लिखेंगे, किलोमीटर मीटर में दे रखा है, इस मीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना है, पूरा का पूरा किलोमीटर में हो जाएगा फिर ये 20.050 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, इसी तरीके से बस का दे रखा है वो भी आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर डिस्टेंस ट्रैवल बाय, दोनों को आप माइनस कर देंगे, तो जो उसने ऑटो से ट्रैवल किया डिस्टेंस 9.850 किलोमीटर उसने ऑटो से जो है वो ट्रैवल किया। ठीक है,
अगर आप बिना कन्वर्ट किए इसको माइनस करेंगे तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, मैच नहीं करेगा आपका आंसर पीछे से। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस पूरे चैप्टर का। आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg, आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम अनियन, 2 kg 75 इज टमाटो एंड द रेस्ट ऑफ द पोटैटोज, व्हाट इज द वेट ऑफ द पोटैटोज। अब यहाँ पे उसने टोटल जितना भी उसने सब्जियाँ खरीदी हैं 10 किलो 10 kg उसने वेजिटेबल्स परचेज करी हैं, खरीदी हैं उसने, जिसमें से इतने तो उसने अनियन खरीद लिए, इतने उसने टमाटोज खरीद लिए, तो पोटैटो कितने खरीदे उसने फिर। तो टोटल वेट लिख लेंगे पहले वेजिटेबल्स का 10 kg, ठीक है। वेट ऑफ अनियन लिख लेंगे, पूरा का पूरा ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे 3.500 ग्राम। वेट ऑफ टमाटो इसको भी पूरा कन्वर्ट कर देंगे, इसको हमने जो है पूरा किलोग्राम में कन्वर्ट करना, केजी में आएगा ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा केजी है 3.550 केजी, ऐसे ही 2.075 केजी। अब ये सारे के सारे केजी में हो गए हमारे, अब हम इसको माइनस कर सकते हैं। अब टोटल जितना हमने अनियन और टमाटो परचेज किए थे उन दोनों को हम पहले प्लस कर लेंगे, ठीक है। प्लस करके आएगा 5.575 केजी। अब जो उसने टोटल उसकी वेजिटेबल्स थी 10 केजी उसमें से माइनस कर देंगे तो पोटैटो का वेट आ जाएगा हमारा। ये आपको ध्यान रखना है कि हमें पोटैटो का रेट निकालने के लिए, वेट निकालने के लिए, पोटैटो का वेट निकालने के लिए हमने जो अनियन उसने परचेज किया आकाश ने और जो टमाटो परचेज किए हैं दोनों को आपने उसको क्या करना है, प्लस करना है। और प्लस करके आपको 10 केजी में से माइनस करना है। 10 केजी में से माइनस क्यों कर रहे हैं, कि जो टोटल वेजिटेबल हैं हमारी वो 10 केजी हैं और अनियन और टमाटो दोनों को मिला के इतना वेट बन रहा है। तो इसमें से जब इसको माइनस कर दोगे तो जो रेस्ट आपका केजी बचेगा वो आपका पोटैटो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।